जय हिंद दोस्तों, यूके डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हुए लेटेस्ट बम धमाके का एनालिसिस। दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान में एक प्रोविंस है पेशावर, और पेशावर में एक जिला पड़ता है खैबर। खैबर में एक मस्जिद है जमरूद अली मस्जिद। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक मस्जिद कही जाती है, काफी लोग इसे एक पवित्र स्थान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो सुसाइड बॉम्बर्स, दो आत्मघाती हमलावर घुस गए थे और उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। और इस ब्लास्ट में एसएचओ एडिशनल सिक्योरिटी के जो हेड थे वो भी मारे गए, साथ ही साथ कई लोगों की जाने गई जो उस समय मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। ये हमला पाकिस्तान के सियासतदानों के मुंह पर तमाचा है। अब पाकिस्तान में ये स्थिति क्यों बनी हुई है ये तो आपको पता ही है। पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले से रहा है, आज नहीं पहले से। अगर हम बात करें पिछले कुछ दशकों की तो आपने मुजाहिदीन सुना होगा, इसके बाद रशियंस, के बाद अमेरिका जो कि अफगानिस्तान में रहा और पाकिस्तान इनके इन्फ्लुएंस में था। इसके बाद आपको चाइना का इन्फ्लुएंस तो आप पता ही है कि पाकिस्तान में किस तरह से बना हुआ है। आज की डेट में भी पाकिस्तान चाइना को अपना बाप मानता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अब पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने बोला है, सो शैल यू रीप। इसका मतलब है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। बोएंगे बबूल तो आम कहां से उगेंगे। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से समय समय पर भारत में अटैक करने की नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ काफी ज्यादा भारत को हिला देने वाला अटैक था, काफी लोग शहीद हुए। उसी तरह से आज की डेट में अगर हम बात करें पाकिस्तान में खुद ब खुद ये चीजें हो रही है। टीटीपी जो कि पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है, पाकिस्तान में आए दिनों सिक्योरिटी हाइट्स को निशाना बनाया जा रहा है और सिक्योरिटी को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसका जो भुगतान कर रहे हैं वो है पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम इसके चलते काफी नाराज है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने रोते रोते एक बयान दिया है कि अब बंद करें ये सारा तमाशा और लोगों की जान लेना, इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की आवाम काफी परेशान हो रही है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि वो अपने बोए हुए बबूल को छुपा सके दुनिया से, लेकिन अब वही बबूल नासूर बन के उभर रहा है। पाकिस्तान में हर दिन 2 से 3 ब्लास्ट होते हैं और आप अंदाजा लगाइए कि 2 से 3 ब्लास्ट में कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने बच्चे यतीम होते हैं, कितनी औरतें विधवाएं होती हैं, कितने परिवारों पर ये असर पड़ता है कि परिवार का कमाने वाला जो बंदा है वो घर से बाहर गया और वापस लौटा ही नहीं, क्योंकि वह किसी न किसी ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। और ये कौन है, साधारण आवाम है जो कि अपनी रोजी रोटी रोजमर्रा के लिए घर से बाहर निकल रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें एक गुड न्यूज भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत विरोधी एक टेररिस्ट को पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्स कमांडो ने मार गिराया है, जिसके चलते पाकिस्तानी एक्स कमांडो के ऊपर जांच एजेंसियां भी काम कर रही है। और ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ है, आप देख रहे हैं कि भारत की जो दुश्मन है पाकिस्तानी हो या फिर कनाडा में खालिस्तानी हो, तो सारे उसी देश में मारे जा रहे हैं। अब ये सारा इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है किस तरह से भारत के दुश्मनों को किनारे लगाया जा रहा है और भारत में शांति बहाल की जा रही है। दोस्तों भारत में तो शांति बनी हुई है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। दोस्तों मैं फिर से आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने देखा कि भारत में लगातार कुछ न कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान गर्व की तरफ जा रहा है। आपको बताइए कि पाकिस्तान में किस तरह से लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। पाकिस्तानियों ने 80,000 जाने लेकर एक शांति देश की स्थापना की, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि पाकिस्तान की शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है, पाकिस्तान खुद अपने इंटरनल इश्यूज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान सिर्फ काम करता है तो फॉरेन कंसेंट पे। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान 23 टाइम्स आईएमएफ के पास कटोरा लेकर जा चुका है, भीख मांग चुका है, तो सुनना किसकी पड़ेगी। अगर आप कोई भी काम खुद कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपको कोई पाल पोस रहा है तो आपको उसकी सुननी ही पड़ेगी। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को फॉरेन कंसेंट को लेके चलना पड़ता है। वेस्टर्न कंसेंट आपको कुछ भी करवा सकता है पाकिस्तान में, अगर
वो चाहे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रगल कर सकता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान में जो कंट्रोल है आर्मी का है, लेकिन आर्मी कंट्रोल को भी फॉरेन कंसर्न से कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए? अब पाकिस्तान की फटी पड़ी है तो यहाँ पे इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है, पाकिस्तान अब इंडिया से समझौते की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान सामने से अच्छा बनने के बाद पीठ में छुरा भोंकने का काम करेगा। आपने देखा कि अभी सीमा हैदर ये केस लेटेस्ट निकल के आया है, जिसके चलते पता चला है कि सीमा हैदर भी एक ISI एजेंट है। तो ISI ने ट्रेन करने के बाद पाकिस्तान से नेपाल भेजा और नेपाल से वो भाग के इंडिया आई। इसके लिए उसने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया, आप जानते ही हैं। अभी ये ग्रेटर नोएडा के गांव में रह रही है और काफी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया है काफी अच्छा डिसीजन लिया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसी भी काफी पूछताछ कर रही है। दोस्तों ये तो था पाकिस्तान का असली चेहरा, सामने से शांति की बात करते हैं और पीठ पीछे फायरिंग करवाते हैं बॉर्डर पे। अभी पाकिस्तान में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, और ये इंस्टेबिलिटी क्यों बनी है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। पाकिस्तान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में, साथ ही साथ कश्मीर में और अदर एरियाज में, इंडिया में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए इन गुर्गों का इस्तेमाल किया। अब यही गुर्गे, यही आतंकवादी पाकिस्तान को गर्त में धकेल रहे हैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान को जरूरत है कि अभी कश्मीर की तरफ ना देखे, हिंदुस्तान की तरफ ना देखे, हिंदुस्तान से अपना कंपेयर ना करे, वो सिर्फ देखे तो अपने देश के अंदर अपने इंटरनल मैटर्स को सुलझाए, जिसमें उसे खैबर पख्तून, सिंध और बलूचिस्तान पे नजर डालने की आवश्यकता है। अगर पाकिस्तान ने ये सब कर लिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। पाकिस्तान को अपने आवाम की तरफ देखने की जरूरत है, ना कि भारत की तरफ। आए दिन आपको टीवी प्रोग्राम्स पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा पाकिस्तानी चैनल्स पे, आपको सिर्फ भारत से कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि भारत ने ये कर लिया और पाकिस्तान इतना पीछे रह गया, भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन हो गया और पाकिस्तान का एक महीने का बच गया। तो दोस्तों ये सारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। आपको सिर्फ अपने कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने देश के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अपने बच्चों को आप किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि भारत का टॉप IIT जो कि आप फॉरेन सॉइल पे जाके उनको एजुकेट करेगा। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि एजुकेशन ही डेवलपमेंट का मेन सोर्स है। तो अगर आप अपने देश में डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी कंट्री को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने आवाम को आपने अच्छी एजुकेशन देनी होगी। अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो आपके देश में शांति बहाल हो सकेगी। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ समय बाद इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी डेट्स नहीं दी गई है कि कब पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसका सीधा सीधा जो रीजन है वो है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पाकिस्तानियों के पास अभी कोई भी पैसा नहीं है कि वो इतना खर्च कर सके। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हो गया, या फिर आप उन्हें सलाहकार बोल लीजिए, वो नियुक्त करवाए जाएंगे जो कि उस स्टेट, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के कामकाज को देख रेख करेंगे। तो किस तरह से पाकिस्तान देश चल रहा है नजर डालिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से सुधरना चाहिए, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्या पाकिस्तान अपने आप को सुधारने के लिए कर सकता है। आई होप आपको यहाँ पे ये एनालिसिस समझ आ चुका है कि पाकिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है और ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ द UK डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।